हेलो एवरीबडी वेलकम टू माई चैनल टूडे आई गोइ टू डिस्कस हाउ टू राइट ए रिपोर्ट इजिल क्विकली एंड करेक्टली विथ दस डिस्कस जानते हैं रिपोर्ट राइटिंग कम से फॉर फाइव मार्क्स आप लोग कैसे फुल मार्क्स अचीव करेंगे आज हम आपको बताने वाला हूँ क्वेश्चन नाम सपोज यू आर सभ्य समस्या राइट ए रिपोर्ट इन सेवेंटी और ऑन द रोड एक्सीडेंट एंड एट कॉलेज कलेक्ट एस्टोडे ठीक है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में फाइव नंबर के लिए आते हैं अब लोग कैसे लिखेंगे ठीक है तुम लोग स्पॉट जाएंगे एंड डाटा कलेक्शन करेंगे ठीक है अब दीन्स यू हैव टू यूज ऑल डब्बे और एसनो क्वेश्चन कलेक्टिंग डाटा और आंसर यू हैव टू राइट डाउन इन सिंपल पास्ट और इन पासिव स्ट्रक्चर आई को क्या पूछेंगे पहले क्वेश्चन होगा व्हाट हैपेंड आंसर क्या होगा ए रोड एक्सीडेंट हैपन ठीक है और सेकंड क्वेश्चन हुए एंड हुएर हैपन कितना समय पर कहां पर हुआ ओके उसके बाद हाउ मेनी किल्ड कितना मरा गया नंबर क्वेश्चन हाउ मेनी इंजोर्ड कितना इंजोर्ड हो गया फाइव क्वेश्चन हु हेल्प कौन मदद किया था ओके सिक्स नंबर हाउ ट्रांसपोर्ट टू हॉस्पिटल इंजोर्ड केस हॉस्पिटल भेजा गया सेवन नंबर व्हाई हैपेंड ये एक्सीडेंट केस हुआ क्यों हुआ देन योर रोल योर रोल आप लोग जानते हैं नॉट टू आर्ड योर ओन ओपिनियन आप लोग को ओन ओपिनियन मत देना ठीक है और उसके बाद और एक एक्टिविटी कर लो बहुत इजी होगा क्या क्या सब्जेक्ट होना चाहिए पहले नेम लिखना ट्रक हो सकता है बस हो सकता है कार हो सकता है ड्राइवर हो सकता पैसेंजर हो सकता मैन वोमेन और, और चाइल्ड पीपुल पुलिस मोबाइल गवर्नमेंट और एम्बुलेंस ये सब आपका रिपोर्ट में आएगा ठीक है उसके पहले उसको कलेक्शन कर लो उसके बाद एक्शन भर्व देख लो एक्शन क्या होना चाहिए किल्ड, सेव्ड, सेंट, ये के बिना कुछ नहीं कर सकते। याद रखना उसके बाद कुछ एडवर्ब कलेक्शन करना एडवर्ब क्या होना चाहिए पीएम टी पीएम टाइम होना चाहिए ठीक है कितना समय पर हुआ था कहां पर हुआ था कैसे हुआ था सीरियसली केयर लेसली फॉर्चुनेटली इमीडिएटली और सुन आप लोग जानते हैं रिपोर्ट राइटिंग इज ए फॉर्मल राइटिंग यू हैव टू फॉलो सम रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ रिपोर्ट राइटिंग ओके पहले टू उसके बाद एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया ओके न्यूज पेपर का नाम यहां पे लिखना चाहिए उसके बाद प्लेस उसके बाद डेट जून इलेवेंथ टू थाउजेंड ट्वेंटी टाइटल देना है ए सीरियस रोड एक्सीडेंट इंपोर्टेंट द टाइटल मस्ट बी शॉर्ट एंड अट्रेक्टिव ओके okay? उसके बाद सेंटेंस लिखेंगे आप लोग यहां पे इंपोर्टेंट सेंटेंस देना चाहिए पहले डब्लू आर का सकते हैं ए सीरियस रोड एक्सीडेंट हैपेंड कॉलेज आठ टू टेंथ जून टू देन ए ट्रक हिट ऑफ़ ए कार कमिंग फ्रॉम अपोजिट साइड टू पैसेंजर्स इंक्लूडिंग कार ड्राइवर वे आर किल्ड एट द स्पॉट Two passengers were injured and they were sent to the Khurdha hospital immediately. But a child in the lap of mother was saved, fortunately. The careless driving of the truck driver was the main reason of the accident. People gathered at the spot and blocked the road for two hours. The police came to the spot and controlled the public. The government of Odisha declared free treatment to the injured and a टू लाख रुपीज टू द पर्सन हाँ देयर रिलेटिव देन द रोड बिकम्स फ्री देन रिपोर्टर का नाम लिखना है देन रिपोर्टर लिखना है ओके फिर से देख लो आप लोग यहाँ पे ए सीरियस रोड एक्सीडेंट हाँ सिंपल पास्ट में लिख दिया यहां पे प्लेस दिया डेट दिया देन क्यों हुआ ए ट्रक हिट अपन ए कार कमिंग फ्रॉम अपोजिट साइड ये कार के साथ ट्रक का एक्सीडेंट हुआ था ओके okay? देन क्या हुआ ना टू पैसेंजर्स इंक्लूडिंग कार ड्राइवर कार ड्राइवर के साथ yeah. दो एट द स्पॉट वो स्पॉट में मर गया उसके बाद टू पैसेंजर्स वे इंजोर्ड दो पैसेंजर इंजोर्ड हुआ गया था एंड दे वे आर सेंड टू खोरदा हॉस्पिटल इमिडिएटली हॉस्पिटल भेजा गया ओके बट ए चाइल्ड इन द लैप ऑफ मदर वॉज सेव्ड फॉर्चुनेटली रीजन क्या है केयरलेस ड्राइविंग ऑफ द ट्रक ड्राइवर वॉज द मेन रीजन एक्सीडेंट ओके okay? उसके बाद क्या हुआ ना पीपुल आर द स्पॉट एंड ब्लॉक द रोड फॉर टू आवर्स ठीक है तो गवर्नमेंट ऑफ ओडिसा डिक्लेयर द फ्री ट्रीटमेंट तो इंजोर्ड देस रूपीज ऑफ द पर्सन देयर रिलेटिव जो मर गया था ना उसको टू लैक्स गवर्नमेंट देने को डिक्लेयर किया उसके बाद देन द रोड वीकेम फ्री उसके बाद रोड फ्री हो गया रिपोर्ट मस्ट भी सिंपल फेयर एंड भी होना चाहिए ठीक है उसके बाद आपका नाम लिखो उसके बाद रिपोर्टर लिखो एग्जाम में आपको स्टेप मार्क भी मिलेगा यहां पे मिलेगा टाइटल के लिए मिलेगा डेट पर मिलेगा और यह भी आपको मार्क मिलेगा ठीक है थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो